गुड द सेकंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में रिसेंटली इंडिया ने 20 क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स का ऑक्शन किया है इन मिनरल ब्लॉक्स में जम्मू एंड कश्मीर में जो लास्ट ईयर लिथियम के रिजर्व फाइंड हुए थे उनका भी ऑक्शन हुआ है ये लिथियम रिजर्व रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए थे यदि देखा जाए तो टोटल वैल्यूएशन क्लोज टू वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ का इन मिनरल्स का एक्सपेक्टेड है यदि अपन बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव करीब प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइंस में लेके रख रहा है जिसमें अलग अलग डिग्री पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है अब ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही कंट्री एस्पायर कर रहे हैं और ज्यादा रिन्यूबल एनर्जी की तरफ और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स की तरफ वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्रिटिकल मिनरल्स का तो इस वीडियो में अपन डेप्थ में समझेंगे क्रिटिकल मिनरल्स क्या है इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है इंडिया इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स मानती है और इनसे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है तो सबसे पहले यदि अपन क्रिटिकल मिनरल्स में क्यों अचानक से एक बड़ी मात्रा में भूचाल आ गया है कि सारी कंट्रीज इनके पीछे भाग रही हैं इसे समझते हैं तो सबसे पहले यदि क्रिटिकल मिनरल्स को आप समझोगे तो वॉट एवर बी द नीड चाहे वो क्लीन एनर्जी हो जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज बनाना विंड की टर्बाइन बनाने में या तो इवन सुपर कंडक्टर्स बनाने में यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का ये बेसिक ब्लॉक रहेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रेडार्स में अन अदर कंस्टिट्यूएस में क्रिटिकल मिनरल्स का यूज है साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें किसी ना किसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स का आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा यानी कि जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं स्ट्रैटेजिक से लेकर रिन्यूएबल से लेकर जो इकोनॉमी को नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में लीड करेंगे वो क्रिटिकल मिनरल्स में प्रेजेंस है यानी कि जहां पिछली सदी में ऑयल वॉज द वन दैट लेड टू द बूमिंग ऑफ कंट्रीज इस सदी में इस सेंचुरी में क्रिटिकल मिनरल्स जो कंट्रोल करेगा वुड अ क्रिटिकल प्रेजेंस, या आप आसान भाषा में बोल सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के नए ऑयल हैं एंड दैट इज वाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि अपन प्रेजेंस, प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो इनका जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड कुछ जगह से ही आ रहा है कुछ पर्टिकुलरली जैसे कि लिथियम के केस में अपन बात करते हैं तो एक ए बी सी ट्राइंगल आता है साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना ब्राजील एंड चिली इसी प्रकार यदि अपन डी बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्लोज टू सेवेंटी परसेंट ऑफ कोबाल्ट को प्रेजेंस है यानी कि जो अभी की फाइंडिंग्स हैं उनके हिसाब से पता चल रहा है कि जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो जोग्राफिकली छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड हैं इस वजह से ये एक परेशानी है एक और इसकी इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि इसके पहले तक क्रिटिकल मिनरल्स की जो यूजेबिलिटी थी यूटिलिटी थी लिमिटेड थी इस वजह से इनके डिस्कवरी में उनकी खोज में कोई बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून uh, स्पेंड नहीं किए गए हैं इस वजह से जब इंडिया ने फाइन किया तब जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिले जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी और इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी तो हो सकता है रिजर्व्स आगे आगे और मिलेंगे आपको बट अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिजर्व हैं इसके अलावा यदि अपन देखें तो एक ऐसी कंट्री है जो पूरे के पूरे क्रिटिकल मिनरल्स में अपना दबदबा बनाए रखी है उसका नाम है चाइना लगभग 85 परसेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसमें चाइना डोमिनेट करती है 60 परसेंट प्रोडक्शन में डोमिनेट करती है कैसे दो तरीके से कुछ डायरेक्टली चाइनीज माइंस में और दूसरा है चाइनीज कंट्रोल्ड कंपनीज या चाइना की कंपनी अफ्रीका और अमेरिका पर्टिकुलरली लैटिन अमेरिका में जाकर माइनिंग वहां से खरीद रही हैं। जैसे कि अभी अपन ने डीआरसी की बात करें तो डीआरसी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्लोज टू 19 कोबाल्ट माइंस मेजर हैं उसमें में से 15 जो माइंस हैं यानी आप देख लो थ्री फोर्थ करीब करीब आप बोल सकते हो इनमें थ्री फोर्थ नहीं तो इनमें यानी कि थ्री uh, फोर्थ मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट में चाइनीज कंपनी का डोमिनेशन है और प्रोसेसिंग में तो बहुत ही हद तक डोमिनेशन है इनफैक्ट यदि आप कुछ मटेरियल देखोगे जैसे कि ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट हंड्रेड परसेंट प्रोसेसिंग जो होती है वो चाइना के अंडर में कंट्रोल में है यानी कि कभी भी किसी कंट्री वेदर चाइना इंडिया वेदर चाइना यूएसए की लड़ाई होती है तो चाइना उस कंट्री को इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैंगुलेट कर सकता है इन मिनरल्स का सप्लाई रोककर इसके अलावा यदि अपन देखें तो इनमें भी कुछ कंपनीज़ हैं मेजरली फ्यू कंपनीज़ हैं जो डोमिनेट करती हैं यानी कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी और मोनोपोलिस्टिक में भी पर्टिकुलरली ऑलिगोपोली जब कुछ कंपनीज डोमिनेट करती हैं पूरे ट्रेड को अपनी मोनोपोली बना लेती हैं तो उन्हें बोला जाता है ऑलिगोपोली यदि दो स्टैब्लिश करें मोनोपोली तो उसे डुओपोली बोला जाएगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है तो इस इंडस्ट्री में ऑलिगोपोली बहुत ज्यादा कॉमन है यानी कि सप्लाई कंट्रोल करना रेट कंट्रोल करना और किस रेट से सप्लाई करना सब ये कंपनीज रेगुलेट कर सकती हैं इसलिए ये प्रॉब्लम है कि ये देखा जाए तो ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है बाई ट्रेडिंग आई एम टॉकिंग मीन फ्यूचर ट्रेडिंग यदि किसी कॉम्युनिटी की फ्यूचर ट्रेडिंग होगी तो आप पहले से ये इंश्योर कर सकते हो कि जो प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए बट बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती है तो प्राइस की हेजिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक और मेजर चैलेंज जो आता है वो डेटा से रिलेटेड है डेटा से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि तो जो डिमांड है क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन सप्लाई में कोई बहुत क्लियर कट फोरकास्ट नहीं है किस रेट से बढ़ेगा इन दोनों डिमांड को प्रॉपरली अभी अवेलेबल नहीं कराया गया है एट द ग्लोबल लेवल इस वजह से हो क्या रहा है कि कैसे ग्रोथ होगी कितनी डेफिशिएंसी होगी कितनी डिमांड होगी वो अभी क्लियर नहीं है एक और है अपन ने देखा है चाइनीस बहुत बड़े क्षेत्र में अपनी एग्रेसिवली स्ट्रेटजी को पुश कर रहे हैं जैसे ये साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में चाइनीस कंपनीज क्या कर रही हैं बहुत तेजी से ये जो माइनिंग कंपनीज है माइंस को खरीद रही हैं एक इनकी इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके अंदर ये डेट ट्रैप करके लोगों कंट्रीज की माइंस को फंसा रही है या तो इन जनरल एग्रेसिव लोन देके हाई इंटरेस्ट पे लोन देके जो बाद में कंट्रीज रीपे नहीं कर पाती हैं ये ऐसे एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए कैप्चर कर लेती हैं इस तरीके से चाइना की जो स्ट्रेटजीज हैं नॉन ट्रांसपेरेंट वर्किंग मैकेनिज्म हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्राइबिंग करप्शन स्टेट इन्वॉल्वड कंपनीज और कॉलिजन बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइनीस इन द इन द एक्टिविटीज जो भी होस्ट कंट्री में होगी इस तरीके की एक्टिविटीज चाइना को बहुत ज्यादा ओवरऑल देखा जाए तो होस्ट कंट्री को हार्म कर रही है और इस तरीके से वो माइंड को कैप्चर कर रहे हैं यदि अपन देखें इंडिया क्या कर रहा है तो एक तरीके से तो अपन ने देखा ही कि ये डिस्कवरी को तेज बढ़ाया है डिस्कवरी करने के अलावा इनको जल्दी से ऑक्शन कर रहा है इसके अलावा एक मेजर जो क्रिटिकल मिनरल में इंडिया ने किया है वो इंडिया ने यूएस लेड मिनरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मिनरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है ये यूएस लेड कॉलिजन है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स में डील करेगा तो एंटायर सप्लाई चेन राइट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल एंड तक पूरे के पूरे, पूरे कंस्टिट्यूएंट को ये मैनेज करेगा यूएस और इंडिया दोनों इस मेंबर का के पार्ट हैं इस कोलिजन के पार्ट हैं यानी एक बात क्लियर हो रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस दोनों कंट्रीज समझ रही हैं और दोनों इस एजेंडा को मिला के अपने बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करना चाहेंगी यदि इस कोलिजन में साथ ही साथ फ्यूचर में अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को जोड़ दिया जाता है तो तो जिनके पास मेजर रिजर्वियर्स हैं वो भी आ गए तो इस कोलिजन की जो स्कोप है और ज्यादा बढ़ जाएगी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो इंडिया गैल्वनाइज कर रहा है वो है एफ रिलेटेड इंडिया में हंड्रेड परसेंट ऑप्शंस में ऑटोमेटिक रूट में परमिटेड है ऑटोमेटिक यानी कोई भी सरकारी परमिशन नहीं लेनी पड़ती है इस वजह से देखा जाए तो ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन सरकार लगातार रेड टेपिज्म जो एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको कम कर रही है और इस वजह से माना जा रहा है कि एटलीस्ट सप्लाई चेन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडेंट में यदि इंडिया अपनी फाउंडेशन रख देती है तो उसे सप्लाई चेन से हटाना मुश्किल हो जाएगा चाहे वो प्रोसेसिंग का कोई छोटा सा पोर्शन ही क्यों हो एंड दैट शुड बी द स्ट्रेटजी दैट इंडिया शुड आइडियली फोकस ऑन इसके अलावा सबसे पहले अपन समझते हैं क्रिटिकल मिनरल जब अपन बोल रहे हैं तो ये है क्या तो इसकी कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल की डेफिनेशन को इंटरनेशनली कॉपी किया गया है उसमें है। सबसे पहले सप्लाई चेन में कुछ रिस्क हो यानी कि इनका प्रोडक्शन जो अपन ने देखा प्रोडक्शन या कंट्रोल किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में है जो थ्रेटन कर सकता है सप्लाई को एंड फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि द वेरी ऑप्शेंस ऑफ दिस मिनरल वुड एंश्योर कि इकोनॉमिक पोटेंशियल फुली रियलाइज नहीं हो रही है स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैम्पर हो जाए या फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री भी डी हो सकता है ये मेजर कंसिडेंट है इन दो क्राइटेरिया पर एक मिनरल को क्रिटिकल डिफाइन किया जाता है यानी कि हर कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग होंगे और ऐसा ही किया गया है देयर इज नो कॉमन लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द ग्लोब इट विल डिफर कंट्री टू कंट्री यदि अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2022 में एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर एक स्पेशल कमिटी बनाई थी और अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस में थर्टी मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किया है ये नाम आप आ, याद करने की जरूरत नहीं है बट एक बार इन नामों को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि MCQ आजकल ऐसे आ रहे हैं 2020 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर अर्थ मिनल इस टाइप से कोई मिनरल्स का नाम नहीं सॉरी माइनर मिनरल्स माइनर मिनरल्स इसमें में से कौन से हैं और चार पांच लिस्ट uh, थे और मल्टीपल चॉइस थे तो जिन लोगों ने एक बार मिनरल्स पढ़ लेते हैं उससे आइडिया लग जाता है मोस्ट ऑफ द केस यदि बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सट्रीम में आया तो आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अनलेस यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड बट एक बार यदि अपन नाम देखे रहे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आ, इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो यू जस्ट रिफर टू नेम्स फाइनली यदि अपन देखें तो इस लिस्ट को सरकार बोला है हर फाइव रिवाइज करेंगे क्योंकि

तीनों चारों पॉइंट्स के बेसिस में अपन एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही अपन इन्वायरमेंटल गोल्स की तरफ मूव करें जहां पर अपन नेट जीरो या तो जो क्लाइमेट गोल्स जो इंडिया ने आई के तौर पर कमिट किया है जब इन सब के तौर पर मूव करें तो एक बात समझ में आती है कि सप्लाई जो है क्रिटिकल मिनरल्स की भले ही बढ़े ना बढ़े लेकिन डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है तो इस जहां पर सेटअप पर जहां डिमांड तेजी से बढ़ रही है सप्लाई कांस्टेंट रह रही है या कम पेस पे बढ़ रही है इंडिया को यह इंश्योर करना है कि सप्लाई को ज्यादा करें। कैसे बाई बींग पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन बाय इंश्योरिंग दैट कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका में अपना कुछ स्टेक्स ले सके जैसे चाइना ले रहा है बहुत तेजी से डोमेस्टिकली अपने एक्सप्लोरेशन को तेजी से बढ़ाए और वैल्यूएबल पार्टनरशिप और कॉलिशन जैसे कि एमएसपी है मिनरल पार्टनर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उसको फुली यूटिलाइज करके अपनी नेशनल प्रायोरिटीज को फॉरेन पॉलिसी में चैनलाइज करके एक इफेक्टिव वे से आगे बढ़े दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड दिस आंसर्स आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो चाहे आप नेशनल प्रायोरिटीज और, और फॉरेन पॉलिसी को बराबर कर दो एमएसपी के लाइंस पे लेकर सेकेंड पॉइंट आप एक्सप्लोरेशन पर ध्यान दे दो साइमल्टेनियसली आप इस पर भी ध्यान दे दो कि फॉरेन फॉरेन माइंड्स में स्टेक्स लेना अलग अलग पॉइंट्स यूज कर सकते हो और आप कंक्लूड कर सकते हो ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट अ फ्यूचरिस्टिक आंसर जहां पर आप अपना दिखा रहे हो कि यू आर आ ब्यूरोक्रेट आप कुछ सोच रहे हो कि कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके दैट इज हाउ यू शुड कंक्लूड दिस आंसर दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक थैंक यू